हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी वैष्णी वेलकम टू मैग्नेट ड्रींस कंपटीशन तो इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब इसका जो पेपर वन है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग इसका मेड्यूल भी फंक्शंस ऑफ बैंक का जो टॉपिक है ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली ये जो पूरा हमारा टॉपिक है इसका जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड आई गेस कि आप लोगों ने जो है अपनी जो सारे कंसेप्ट वो क्लियर कर भी लिए होंगे मैं ऑलरेडी जो है इस सारी इन इसका जो कंसेप्ट है इसमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी हेल्प से जो क्वेश्चन या जो एग्जाम में क्वेश्चन आने का पैटर्न है वो हमें समझ में आ सकता है कि कैसे किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बता क्वेश्चन नंबर वन इंट्रोडक्शन वाइल ओपनिंग अकाउंट्स इज इंट्रोडक्शन जो है वो जब अकाउंट ओपन किया जाता है उस टाइम पर ऑप्शनल है कि वो किया जाए नॉट टू बी टेकन डिस्क्रिशनरी और कंपलसरी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर हम आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं है, कि क्या एक पर्सन का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा Uh, जब भी उसका अकाउंट ओपन करना है सो so, क्या इन चीज़ों में से क्या बताने वाले हैं हम कि वो ऑप्शनल होता है वो नॉट टू बी टेकन होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है कंपलसरी होता है सो दैट इज़ नॉट टू बी टेकन ठीक है अदरवाइज देखिए जो आइडेंटिटी है वो तो एक पर्सन अपनी प्रोवाइड करेगा ही उससे जो है आइडेंटिटी वेरीफाई हो पाएगी राइट तो जो है वहाँ से चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि क्या पर्सन कर रहा है क्या चीज़ें हैं पर्सन जो है वो रियल है फेक तो नहीं है यहाँ पर कोई सस्पिशियस थिंग तो नहीं है इसके अपार्ट अगर कोई भी kind ऑफ of, हम इंट्रोडक्शन लेने जाएंगे तो वो ऑफेंडेबल लग सकता है इसलिए इंट्रोडक्शन जो है वो नॉट टू बी टेकन होना चाहिए ठीक है देन अ माइनर फॉर हुम द कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ गार्जियन अटेंस मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ एक माइनर मेजोर uh, एक माइनर जो है वो मेच्योर कब बनता है वो मेच्योरिटी कब जो है अटेन करता है किस ईयर पर

टू और नो लिमिट मिनिमम बोला जा रहा है ठीक है मैक्सिमम नहीं यहाँ पर आपको मिनिमम ध्यान रखना है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम कितने लोग होंगे सो so मिनिमम जो है टू होने चाहिए यहाँ पर मिनिमम लिमिट जो है वो हम बता रहे हैं दैट वुड बी टू ठीक है कि टू मेंबर्स तो उसमें होने ही होने चाहिए देन गवर्नमेंट कंपनीज आर दोज कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ शेयर्स ये भी बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है कि एक जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है उसे हम गवर्नमेंट ओन्ड अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब कि उस कंपनी में एटलीस्ट गवर्नमेंट के इतने शेयर्स होंगे ही होंगे कितने 51 26 100 परसेंट एंड नो सच रिक्वायरमेंट अब कोई भी अगर हम गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं तो उसमें मेजोरिटी शेयर्स किसके होने चाहिए गवर्नमेंट के एंड अगर हम हंड्रेड में से मेजोरिटी की बात करें अगर मैं बोलूँ फिफ्टी फिफ्टी तो ये तो हो जाएगा हमारा इक्वल हमें इक्वल uh, नहीं रखना है हमें क्या रखना है मेजोरिटी हमें रखना है तो फिफ्टी वन एंड फोर्टी नाइन राइट तो एटलीस्ट जो है फिफ्टी वन परसेंट ऑफ शेयर्स कौन ओन करने वाला है गवर्नमेंट सो दैट इज योर ऑप्शन ए फिफ्टी वन परसेंट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है देन डेलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर अ ट्रस्ट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल बेनिफिशरीज परमिशन चैरिटी कमीशन्स परमिशन जो डेलीगेशन ऑफ पावर है ट्रस्ट के अंडर वो परमिशिबल है वो नहीं है वो पॉसिबल है नहीं है वो बेनिफिशरीज़ की परमिशन पर हो सकता है या फिर चैरिटी कमिश्नर्स के परमिशन पर हो सकता है तो इसमें से हमें जो है करेक्ट आंसर बताना है दैट इज़ नॉट पॉसिबल जो ट्रस्ट है उसमें जो पावर्स है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती है तो योर ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन ठीक है देन विच डॉक्यूमेंट स्टिपुलेट्स इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल रूल्स जो होते हैं कंपनी के उसे स्टिपुलेट करता है ऑप्शन आर मेमोरेंडम रेजोल्यूशन आर्टिकल्स डिक्लेरेशन एंड कंपनीज एक्ट 1956. बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन है एंड द आंसर वुड बी आर्टिकल्स ठीक है जो आर्टिकल्स हैं वो बताते हैं जो इंटरनल रूल्स हैं कंपनी के वो कि इंटरनली जो है कंपनी को कैसे वर्क करना है इंटरनली क्या क्या जो है सारी चीज़ें फ्रेम करनी होगी ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी आर्टिकल्स देन द नेक्स्ट क्वेश्चन माइनर्स अकाउंट कैन बी ओपन इन गार्जियनशिप ऑफ जो माइनर का अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है इन दी गार्जियनशिप ऑफ किसकी गार्जियनशिप के अंदर है किस किसके गार्जियनशिप के अंडर ठीक है मदर एंड फादर मदर और फादर ग्रैंड मदर एल्डर ब्रदर माइनर का अकाउंट वो किसकी गार्जियनशिप के अंडर ओपन हो सकता है सो दैट वुड बी मदर और फादर ठीक है मदर एंड फादर एंड मदर और फादर में एक सा डिफरेंस है जो कि आई गेस आप लोगों को समझ में आ ही ही गया और आप लोगों को पता ही है मदर एंड फादर दैट इन दोनों को जो है साथ में मिलकर जो है अपनी गार्डियनशिप देनी पड़ेगी तब एक माइनर का अकाउंट ओपन होगा और जो मदर और फादर है उसमें से या तो मदर की गार्डियनशिप के अंदर या फिर फादर की गार्जियनशिप के अंदर ठीक है सो द बेस्ट आंसर वुड बी मदर और फादर ठीक है कि जो है या तो मदर भी चलेंगी या फिर फादर भी चलेंगे दोनों में से कोई एक पर्सन की जो है गार्डियनशिप के अंदर अकाउंट जो है एक माइनर का वो ओपन किया जा सकता है ठीक है और इसके अलावा जो है माइनर में हमने ये भी पढ़ाया कि अगर मदर एंड फादर नहीं है किसी पर्सन के तो फिर जो भी पर्सन एक गार्जियन बनता है वो बाय को, बाय कोर्ट क्या होना चाहिए एलिजिबल होना चाहिए या फिर हम बोलें कि बाय कोर्ट जो है परमिशन हमें मिल जानी चाहिए कि हाँ ये पर्सन जो है ये एज़ इन दी फॉर्म ऑफ या एज इन द वे ऑफ गार्जियन जो है वो वर्क कर सकते हैं ठीक है थीके? टू और मोर माइनर दो या दो से ज्यादा माइनर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट एक ओपन करना चाहते हैं तो अब वो क्या इसे ओपन कर सकते हैं या नहीं ठीक है अब आगे देखते हैं दे कैन ओपन ऑन ईदर और सरवाइवर बेसिस ओपन ऑन ज्वाइंट ऑपरेशन बेसिस ओपन ऑन फॉर्मर और सरवाइवल बेसिस एंड नॉट ओपन अब आपकी बैंक में खोलने जा रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए राइट कि आप किस वे में जो है उन्हें ओपन करने दोगे या नहीं करने दोगे है ना तो अब ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है जो सारे रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो अगर दो माइनर्स अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दिस थी, दिस थिंग इज नॉट परमिसेबल ठीक है दो माइनर्स जो है वो जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं हमेशा एक माइनर के अकाउंट पे एक गार्जियन होना जरूरी है और गार्जियन जो है वही वर्क करता है जब तक वो माइनर मेजर नहीं बनता है ठीक है माइनर के बिहाफ पे वही वर्क करता है तो दो माइनर कभी भी जो है जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी नॉट ओपन ठीक है

बाय uh, लॉ जो है ये चीज बोली गई है कि चाहे वो किसी भी काइंड का है कोई किसी की भी गार्डियनशिप के अंडर हो हर एक माइनर जो है वो मेजर कब बनेगा आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज 18 ईयर्स के पहले किसी भी पर्टिकुलर केस में एक पर्सन क्या कहलाएगा माइनर ही कहलाएगा तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर है दैट वुड बी और योर ऑप्शन ए एटीन ईयर्स ठीक है हु शेल बी नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल एक मैरिड माइनर गर्ल है तो इनके जो है नेचुरल गार्जियन कौन होंगे ठीक है

तो योर ऑप्शन ई वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय अ माइनर एज्ड इलेवन ईयर डिजायर्स टू ओपन अ सेविंग अकाउंट हिज मदर इज इलिटरेट फादर हैज बिकम सन्यासी ही हैज हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु विल बी हिज नेचुरल गार्जियन ठीक है उनकी मदर इलिटरेट है उनके पापा जो हैं वो सन्यासी बन चुके हैं एंड उन्हें उनके जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं अब नेचुरल गार्जियन कौन रहेगा इनका फादर मदर ग्रांड फादर गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट एंड संजय हिमसेल्फ कैन ऑपरेट ठीक है किसकी बात हो रही है नेचुरल गार्जियन की बात हो रही है तो नेचुरल गार्जियन वुड बी मदर मदर right. चाहे इलिटरेट है लेकिन मदर क्या होंगी वो नेचुरल गार्जियन होगी हाँ अब अगर केस ऐसा है कि मदर इलिटरेट है एंड संजय चाह रहे हैं कि मदर उनकी नेचुरल उनकी जो है गार्जियन ना बने तो वो जो है किसी और पर्सन को न, जो है एज इन द फॉर्म ऑफ गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है बट यहाँ पर बात पूछी गई थी नेचुरल गार्जियन की तो नेचुरल गार्जियन कौन रहेंगी मदर रहेंगी उनकी ठीक है देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर

चाहे जो है मेमोरेंडम जो है वो साइन कर दिया गया था साइन बाय टू पर्सन फॉर पर ऑल दी सेवन सिग्नेटरीज ठीक है सात लोग थे उसमें से और उसमें सात जो है सिग्नेटरीज थे लेकिन उसमें दो लोगों ने ही क्या किया दो लोगों ने ही जो है सारे सिग्नेटरीज का साइन कर दिया एंड दैट वॉज अ पॉजिटिव सिग्नेटरी ऑब्वियसली बात है कि वो फ्रॉड है वहां पर आप नहीं कर सकते हो ठीक है सो दैट वॉज अ फॉर्ड सिग्नेचर्स तो ऐसे केस में जो है विल द बैंक एक्सेप्ट मेमो इज जेन्यून फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट अब जो है जो बैंक है क्या वो इसे एक जेन्युन मेमो मानकर जो है एक्सेप्ट करेगी और जो अकाउंट है वो ओपन करेगी या नहीं ऑप्शन आर ये नो येस बिकॉज इन कार्पोरेशन सर्टिफिकेट इज वेलिड नो बिकॉज फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड ई बैंक विल आस्क एच एच जी ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी यस वाई यस क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो तो वैलिड है ना एंड वो जेन्यून भी है अब चाहे वो मेमोरेंडम पर साइन फॉर्ज हो गए लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो सही है और पूरी कंपनी के लिए जो है अकाउंट ओपन किया गया है इसलिए जो है यहाँ पर जो अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते थे कि हम ए ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर दें लेकिन देखिए ए जो है वो सिर्फ बोल रहा है येस और जो सी ऑप्शन है वो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा सैटिस्फैक्ट्री जो आंसर है ज्यादा सटिस्फैक्ट्री जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन

दो लोग लिए यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्स एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स वाई एज्ड सेवेंटीन ईयर्स ठीक है देन एक्स एजड ट्वेंटी फाइव ईयर्स वाई एज ट्वेंटी वन ईयर्स सी वाला ऑप्शन है एक्स एज्ड सेवेंटीन ईयर्स एंड वाई एज्ड सिक्सटीन ईयर्स डी ऑप्शन पर आते हैं कुमारी शुभा एज्ड थर्टी ईयर्स एंड कुमारी रचना एज्ड सिक्सटीन ईयर्स डॉक्टर ऑफ कुमारी शुभा ठीक है देन Uh, X aged 71 years, Y aged 57 years, but lunatic. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर केस है जिसमें कि अकाउंट ओपन किया जा सकता है पहली चीज अगर मैं ई वाले ऑप्शन को बोलूं तो यहाँ पर क्या लिखा है लुनाटिक है अब अगर किसी को भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना है या फिर हम ये बोले कि, कि किसी भी पर्सन को उसका अकाउंट ओपन करना है सो ही और शी हैव टू बी अ रैशनल पर्सन गुड जो है एक स्टेबल जो है माइंड होना चाहिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है लुनेटिक तो लूनैटिक जो है उनका अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा सो दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट अब मैं आऊँ डी पर तो क्या बोला गया है कि शुभा है जिनकी एज थर्टी इयर्स है एंड रचना है जिनकी एज सिक्सटीन इयर्स है और जो रचना है वो शुभा की डॉटर है बट अगर देखा जाए तो रचना जो है उसकी एज कितनी बोली गई सिक्सटीन ईयर्स इज नॉट अ मेजर और अगर पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करना है तो दोनों को क्या होना जरूरी है मेजर होना जरूरी है एक माइनर और एक मेजर का अकाउंट ओपन नहीं होगा इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत सी पर आए तो 17 ईयर्स एंड सिक्सटीन ईयर्स दोनों माइनर हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता राइट right. ई और सी ऑप्शन को तो हम जो है बिल्कुल आग बंद करके जो है क्रॉस कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी भी पर्टिकुलर केस में कंसिडर नहीं किए जा सकते फिर वहीं अगर हम लोग ए वाले ऑप्शन को देखें तो एक्स तो 25 फाइव ईयर्स का है लेकिन वाई सेवेंटीन ईयर्स का है यहाँ पर भी एक माइनर आ गया है और एक मेजर है तो इस एक माइनर की वजह से ये अकाउंट भी ओपन नहीं होगा एज इन दॉर्म ऑफ पार्टनरशिप और अगर बी ऑप्शन देखा जाए तो एक्स ट्वेंटी फाइव एंड वाई ट्वेंटी वन दोनों ही जो हैं ये मेजर हैं और दोनों जो हैं वो एलिजिबल भी हैं दे आर लाइबल या जो है लीगली ये चीज पॉसिबल है कि इनके अकाउंट्स ओपन हो सके इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप तो इसलिए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा योर ऑप्शन बी दैट इज एक्स एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड वाई एज ट्वेंटी वन ईयर्स ठीक है देन नेक्स्ट पर आते हैं एच यू एफ अकाउंट दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट इज टू बी ओपन इन द बैंक वेयर देर आर थ्री मेजर पर्सन शिव कुमार फादर मिसज रामावती शिव कुमार मदर शरद कुमार सन ठीक है हु कैन बिकम करता ऑफ द एच यू एफ ठीक है यहाँ पर जो है क्या करना क्या बोला गया है कि एक एच यू एफ अकाउंट जो है वो ओपन करना है एंड इसमें तीन जो है मेजर पर्सन है शिव कुमार है जो कि फादर है इनकी जो वाइफ है दैट इज रमावती और इनके जो सन है दैट इज शरत ठीक है अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कर्ता कौन होगा दैट मीन्स हेड कौन होने वाला है ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सो ऑप्शन आर शिव कुमार शरत कुमार मिसिज रामावती डी ऑप्शन है बोध शिव कुमार एंड रामावती एंड ई ऑप्शन है बोध शिव कुमार एंड शरत कुमार बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा दैट वुड बी शिव कुमार राइट जो सबसे जो है सबसे हाई स्टेटस पर जो है फैमिली के एक सीधी सी बात मानी जाती है कि फैमिली में जो है फादर ने जो बोला है बस वही चीज आपको एकदम एटमोस्ट वो सुननी पड़ेगी तो यहाँ पर कर्ता कौन होंगे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं तो कर्ता जो फादर बनेंगे सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है सो दैट वुड बी दी शिव कुमार ठीक है तो ऑप्शन ए जो है यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा Then comes to the next question. One of the directors of the limited company expired and चेक signed by him are presented for payments. Should the bank pay those check ठीक है एक कोई कंपनी है उनके एक जो डायरेक्टर है वो एक्सपायर हो गए ओके okay? अब उन्होंने उन्होंने जो है कोई चेक को साइन किया था और वो चेक यूज किया जा रहा है ठीक है और वो प्रेजेंट किया गया बैंक में तो अब ऐसे केस में क्या आप उस पर्टिकुलर चेक का जो पेमेंट है वो करोगे या नहीं करोगे ऑप्शन आर कैन नॉट पे कंपनी ऑन अदर डायरेक्टर्स कंफर्मेशन कैन पे एज अ रूटीन पेमेंट बी स्टॉप्ड बाय कंपनी तो ऐसे केस में बैंक को क्या करना है बैंक जो है उसे पे कर सकती है एक रूटीन बेसिस पर अगर वो शुरू से ये चीज चलती आ रही है तो वो चीज़ जो है वो पे की जा सकती है फॉर वनस इन अ वाइल्ड अब वो एक चेक जो है वो उनके हाथ का साइन किया गया रखा हुआ है तो वो चीज़ यूज हो जाएगी अब उसके बाद में तो उनके साइंड चेक है नहीं तो आगे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है बट फॉर दी फर्स्ट टाइम ये जो रूटीन बेसिस पर अगर चल रहा है तो ऐसे केस में जो है वो यूज किए जा सकते हैं और जो बैंक है वो उसका पेमेंट कर सकती है ठीक है

एनी वन किसी के भी चल जाएंगे मैनेजिंग पार्टनर्स के ही सिर्फ या फिर जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं उनके रिक्वायर्ड नहीं है तो अगर जब बैंक अकाउंट ओपन करना होता है एक फर्म के नेम पर तो उसके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब सबके जो है उन सब की सहमति से क्या होगा जो अकाउंट है वो ओपन होगा और सहमति दैट इज़ जो है एक्सेप्टेंस कैसे दिखाया जाएगा बाय साइनिंग ठीक है तो सारे पार्टनर्स का जो सिग्नेचर है वो जरूरी है दैट इज योर ऑप्शन ए ऑल पार्टनर्स इज द करेक्ट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस जो सेविंग बैंक अकाउंट है इन पर जो इंटरेस्ट है वो अब डेली जो है प्रोडक्ट बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है ट्रू और फॉल्स सो आंसर वुड बी ट्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट्स ऑफ माइनर्स ओपन विद मदर एज गार्जियन कैन बी अलाउड टू बी ओवरऑल अकाउंट्स जो कि माइनर्स के हैं जो कि एज अ जिसमें गार्जियन को आना मदर है ये अलाउड है ओवरड्रॉ करने के इसमें ओवरड्रॉ सिस्टम अलाउड है ट्रू और फॉल्स सो दैट वुड बी फॉल्स कोई भी माइनर अकाउंट जो है वो ओवर ड्रॉ नहीं हो सकता है उसमें प्रोविजन नहीं होते हैं ओवर ड्रॉ होने के ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ़ आर टॉपिक ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर्स आई सो कि आप लोगों को जो है ये सारे जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट इज़ ये जो हमारे सारे वीडियोज़ हैं या हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेब्रेन कॉम्पिटिशन वहाँ से तो आप लोग एक्सेस कर ही सकते हैं लेकिन इसके अपार्ट हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपको वेबसाइट ओपन करनी है दैट इज www.magnetbrains.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपको इसे स्क्रॉल करना है लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे वेरियस कोर्सेज के ऑप्शन हैं इनमें से एक कोर्स आपको जैब कैब मिल जाएगा उस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो कोर्सेज अवेलेबल हैं ये आपको विजिबल हो जाएंगे इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की प्रिपरेशन करनी है जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके वॉच पर क्लिक कीजिए वॉच पर क्लिक करने से जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने होगी प्लस जो सारे टॉपिक्स हैं जो सारे वीडियोस हैं वो भी आपके सामने अवेलेबल होंगे इनमें से आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को या वीडियो को देखना है उसके वॉच नंबर पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा इसी वे में आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ आर वेबसाइट ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन कॉम्पिटिशन आप लोग उसे सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ थैंक यू